प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बाबा जी। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? जी बाबा जी, हम सब बच्चे आपसे योग सीखेंगे। हाँ, हम सब मिलकर योग तो करेंगे ही, साथ में सुंदर सुंदर स्थानों की यात्रा भी करेंगे। तो अब हम सीखेंगे खेल खेल में योग। बच्चों, इनसे मिलिए। ये हैं दीपिका बहन। ये आपको अच्छी एवं रोचक जानकारियां देंगी। नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। हाँ, चलते हैं। बच्चों, स्वस्थ तन और मन से हमें तो लाभ मिलता ही है, साथ ही हम दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। तो आओ अब दीपिका दीदी से सुनते हैं एक प्यारी सी कविता। आओ सुने कविता। जीवन में बढ़ते जाना है, योग को नित अपनाना है, गीत मधुर हमें गाना है, तन मन स्वस्थ बनाना है, जन जन में जागरण लाकर हर घर में योग दीप जलाना है, सत्य अहिंसा को अपनाकर स्वस्थ शाकाहार हमें खाना है। आओ सुने कहानी। अब सुनो एक कहानी। एक दिन राज ने नए कपड़े पहने थे। रास्ते में उसका दोस्त निशांत मिल गया। राज के कपड़े देखकर निशांत बोला, राज, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? कितने गंदे लग रहे हो। राज का चेहरा उतर गया। वो दुखी होकर वापस घर चला गया। कुछ दिनों के बाद निशांत साइकिल से जा रहा था। साइकिल से गिरकर उसे चोट लग गई। राज ने जब निशांत से उसकी चोट के बारे में पूछा तो उसने बताया, मैं साइकिल से गिर गया था। इस पर राज ने कहा, जब तुम्हें साइकिल ढंग से चलानी नहीं आती तो चलाते ही क्यों हो? तुम्हारी वजह से किसी और को चोट लग सकती थी। ये बात निशांत को बुरी लगी, पर वो समझ गया कि मैंने भी राज को चिढ़ाया था। ये सोचकर उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। बच्चों, इस कहानी से आप क्या समझे? बुरा बोलकर किसी दूसरे का मन नहीं दुखाना चाहिए। शाबाश। बच्चों, आँख, कान, मुख आदि अंगों को बीमारियों से दूर रखने के लिए आओ करते हैं कुछ सरल व्यायाम। पहले करेंगे आँखों के व्यायाम। सबसे पहले सुखासन या पद्मासन में बैठ जाओ। अब शरीर को हिलाए बिना आंखों को ऊपर फिर नीचे घुमाकर देखो। हाँ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसे 5 से 10 बार दोहराओ। अब आंखों को बंद करके थोड़ी देर विश्राम करो। अब दूसरा अभ्यास। आंखों को पहले दाईं ओर घुमाओ, फिर बाईं ओर घुमाओ। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। ऐसा 5 से 10 बार दोहराओ। अब थोड़ी देर आंखों को विश्राम दो। अब करेंगे तीसरा अभ्यास, यानी
आंखों को चारों ओर से गोल गोल घुमाना, आंखों को दाईं ओर से गोल गोल घुमाओ, हाँ ऐसे, अब बाईं ओर से गोल गोल घुमाओ, हाँ बहुत अच्छा, ऐसा 5 से 10 बार करो। अब आंखें बंद करके विश्राम करो। अब सुनो इस व्यायाम के लाभ। इससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, आंखों की नसों को नई शक्ति एवं ऊर्जा प्राप्त होती है, आंखों की थकान दूर होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक तनाव एवं सिर दर्द दूर होता है। बच्चों, आंखों को साफ न रखने से आंखों के अनेक रोग हो जाते हैं, इसलिए कुछ सावधानियों का ध्यान से पालन करना चाहिए। रोज सुबह और शाम को साफ पानी से आंखें धोनी चाहिए। आंखें सदा स्वस्थ रहे इसके लिए पहले मुंह में पानी भरा, फिर हाथों में पानी लेकर आंखों पर छींटे मारने चाहिए। हाथों को धोकर ही आंखों को खुजलाएं या साफ करें। बाहर से घर लौटने पर मुंह धोकर आंखें साफ करनी चाहिए, जिससे आंखों व चेहरे पर लगी धूल आदि गंदगी धुल जाती है। आंखों के आसपास की त्वचा अत्यंत कोमल होती है, अतः पोंछने के लिए मुलायम वस्त्र का ही प्रयोग करें, या आप नरम तौलिए से हल्के से पोंछ सकते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फल, दूध, आंवला, गाजर आदि खाना चाहिए। नियमित रूप से आंखों का व्यायाम करना चाहिए। इस तरह आंखों की अच्छी तरह देखभाल करने से हम चश्मा लगाने से बच सकते हैं। हाँ। अब करेंगे कानों के सरल व्यायाम। सबसे पहले सुखासन या पद्मासन में बैठ जाओ। अब हाथों से कानों के ऊपरी भाग को पकड़कर धीरे से ऊपर की ओर खींचो। अब धीरे से छोड़ दो। ऐसा 5 से 10 बार दोहराओ। अब कान के नीचे के भाग को धीरे से नीचे की ओर खींचो और फिर छोड़ दो। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार करो। कान के पीछे के भाग को धीरे धीरे खींचो और छोड़ो। बाबा जी, क्या ऐसा करने से कान में दर्द नहीं होगा? नहीं बच्चे, बल्कि इन अभ्यासों से कान की मांसपेशियां लचीली होती हैं और हमारे सुनने की शक्ति बढ़ती है। बच्चों, कान एक बहुत ही कोमल अंग है, इसलिए कान की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। कान सदा साफ रखो। कानों को साफ स्वच्छ रुई से साफ करो। कान में तिनका, माचिस की तीली या हेयर पिन आदि डालकर कभी साफ मत करो। इनसे कान के अंदर घाव हो सकता है। कान में दर्द होने पर कानों के डॉक्टर को जरूर दिखाओ। कान पर मारना या उसे जोर से खींचना घातक हो सकता है। इससे कान के पर्दे को चोट पहुंच सकती है, जिससे सुनने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आओ
अब करें जबड़े का व्यायाम। जबड़े बंद करके एक दूसरे पर दबाव डालो। यह क्रिया 5 से 10 बार जरूर करो। जबड़ों के व्यायाम से जबड़े की मांसपेशियां लचीली और सुदृढ़ होती हैं। मुख आसानी से खुलता है, चेहरा सुडौल तथा सुंदर बनता है। अब जबड़ों की देखभाल के निर्देश सुनो। मंजन करने से दांत सुंदर व मजबूत बनते हैं। दांतों की सुबह शाम ब्रश से धीरे धीरे सफाई करनी चाहिए। हमारे गांवों में विभिन्न तरह के दातुनों का प्रयोग किया जाता है। इससे दांत मजबूत व सुंदर होते हैं। दांतों से खून निकल रहा हो या दुर्गंध आ रही हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दांतों से गन्ना छीलकर खाने से और सेब, अमरूद, आंवला आदि फल खाने से दांत और जबड़े मजबूत बनते हैं। बच्चों, क्या आप पानी में बना किला देखना चाहते हो? हाँ बाबा जी। बहुत अच्छी बात। तो अब मैं आप सबको लेकर चलता हूँ समुद्री किले की यात्रा पर। अरे वाह, कितना बड़ा किला, और वो भी पानी में। बच्चों, यह है समुद्री किला सिंधु दुर्ग। बाबा जी, यह किला किसने बनाया? इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। यह एक अभेद्य किला है। इसे खास सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। आपको पता है, इसमें से अंदर के सिपाही बाहर सब देख सकते थे, जबकि बाहर वालों को अंदर के सिपाही नजर नहीं आते थे। एक और खास बात सुनो, यहाँ शिवाजी महाराज का मंदिर भी है। बाबा जी, शिवाजी बहुत ताकतवर थे। हाँ, वह एक महान और बलशाली योद्धा थे। बाबा जी, हुन मैं भी बलशाली बनूंगा। क्यों नहीं बल्लू, स्वस्थ तन और सजग मन से हर कोई बलशाली बन सकता है, पर इसके लिए रोज करना होगा योग। तो आओ शुरू करते हैं योग अभ्यास। बच्चों, अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। आसन यानी ऐसी सहज एवं आरामपूर्ण स्थिति में लंबे समय तक बैठना, जिससे शरीर को कोई कष्ट ना होता हो। आसन शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक, योग क्रिया के रूप में, जैसे पद्मासन, शवासन, ध्रुवासन आदि। दूसरा, बैठने की वस्तु के रूप में, जैसे दरी, कंबल, चटाई, चादर एवं रबर मैट। बच्चों, हमें योगासन का अभ्यास करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आसनों का अभ्यास स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए। इसके लिए हवादार कक्ष, खुला मैदान, पार्क, नदी तालाब आदि के किनारे का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हम कर रहे हैं। बैठने के लिए कंबल, दरी, चादर एवं रबर मैट्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। आसन विद्युत का कुचालक होना चाहिए। आसन प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए और भोजन करने के कम से कम 4 घंटे बाद करना चाहिए। आसन करते समय हल्के वस्त्र पहनने चाहिए। आसन करते समय चश्मा न पहने, क्योंकि उसके टूटने तथा आँख में चोट लगने का भय रहता है। नियमित रूप से आसन का अभ्यास करना चाहिए।
मनमौजी ढंग से आसन करने वाले बच्चे को अधिक लाभ नहीं मिलता है। आसन सीखने के लिए सुगमता के साथ एक से दो बार आसनों का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। बच्चों, योग में हाथों से कुछ विशेष आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें हस्त मुद्रा कहते हैं। हस्त मुद्रा में दो शब्द हैं, हस्त और मुद्रा। हस्त का अर्थ है हाथ और मुद्रा का अर्थ होता है आकृति बनाना। वैसे तो मुद्राएं अष्टांग योग का अंग नहीं है, फिर भी योग में इनका विशेष महत्व है। आपको सबसे पहले हाथ की पांच उंगुलियों व पांच तत्वों के बारे में बताता हूं। बच्चों, यह सारा संसार पांच तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एवं जल से बना है। हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। हमारे शरीर की पांच उंगलियां पांच तत्वों का नियमन करती हैं। अंगुष्ठ अग्नि से, तर्जनी वायु से, मध्यमा आकाश से, अनामिका पृथ्वी से तथा कनिष्ठा जल तत्व से संबंधित है। तो बच्चों, पहले पद्म मुद्रा के बारे में जानते हैं। पद्म का अर्थ है कमल। कमल पवित्रता एवं सौंदर्य का प्रतीक है। कमल के समान हाथों की अंगुलियों को फैलाने से पद्म मुद्रा बनती है। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाओ। अब दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में मिला दो। इसके बाद केवल दोनों अंगूठे एवं सबसे छोटी उंगली परस्पर मिला कर रखो। शेष अंगुलियां आमने सामने रहने दो। इस प्रकार मुद्रा बना लेने के बाद आंखें बंद कर लो। इस मुद्रा का अभ्यास एक से दो मिनट तक करो। इस मुद्रा से शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। यह मुद्रा शरीर की गर्मी को कम करती है। मूत्र संबंधी रोगों को दूर करने में यह मुद्रा सहायता देती है। अपनी ये मजेदार यात्रा अब समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा? आंखों की स्वच्छता कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल सही। कान की सफाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही। नीचे दी गई अंगुलियों को उनके संबंधित तत्वों के साथ मिलाओ। सही जोड़े बनाओ।